गुड मॉर्निंग एवरी वन. कॉन्टिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो हमारा मैथड है मार्शलिंग का, दैट इज़ इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी. ये जो मैथड है ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो हमने मैथड किया लिक्विडिटी का. उसी में वहाँ पे हम पहले क्या लिख रहे थे, करंट आपकी जो एसेट्स हैं, और उसके बाद फिर आप फिक्स्ड एसेट्स लिख रहे थे. सेम तरीके से करंट लायबिलिटीज आप पहले लिख रहे थे और फिर फिक्स्ड लायबिलिटीज लिख रहे थे. यहाँ पे उल्टा हो जाता है. यहाँ पे हम पहले फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं, फिर हम करंट एसेट्स लिखते हैं. सेम विद द लायबिलिटीज, की फिक्स्ड ऊपर आती है और जो करंट है वो नीचे आती है और कैपिटल सबसे ऊपर आती है. तो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड, उन एसेट्स को जो ज़्यादा परमानेंट हैं हमारे पास, मतलब जिन्हें डिफ़िकल्टी होती है कैश में कन्वर्ट करने में, जो ज़्यादा टाइम लेती हैं, उन्हें हम सबसे ऊपर रखते हैं, और जो ज़्यादा इजीली हो जाती है उन्हें हम नीचे रखते हैं. तो सिमिलरली लायबिलिटीज़ के साथ, कि जो हमारी फिक्स लायबिलिटीज़ हैं उन्हें हम पहले शो करेंगे और जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं उन्हें हम बाद में शो करेंगे. ये मैथड एडॉप्ट जॉइंट स्टॉक कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ करती हैं. देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स. एसेट्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर हम डिवाइड करते हैं. पहला है हमारा फिक्स्ड एसेट्स. एसेट्स जो आपने परचेज की हैं बिजनेस के लिए और वो बिजनेस में बहुत सालों तक चलने वाली है, उन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स कहती हैं. इन एसेट्स को आप सेल के लिए परचेज नहीं करते. इन एसेट्स को आप परचेज करते हो ताकि जो ऑपरेशन है बिजनेस का वो कंटिन्यू रहे. फॉर एग्जांपल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल एसेट्रा. और बैलेंस शीट में इन एसेट्स को आप डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद शो करते हैं. जो भी उनकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी, ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद आप उन्हें जो बैलेंस शीट है उसमें शो करेंगे. देन नेक्स्ट है आपका करंट एसेट्स. वो एसेट्स जो आप परचेज करते हैं बिजनेस में रीसेल पर्पस के लिए, क्योंकि आपको उन्हें कन्वर्ट करना है कैश में थोड़े ही टाइम पीरियड में, तो उसी लिए हम उन्हें करंट एसेट्स कह रहे हैं. फॉर एग्जांपल, कैश, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, डेप्टर, स्टॉक एसेट्रा. देन आता है वेस्टिंग एसेट्स. वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो एग्जॉस्ट हो जाती हैं या जिसे आप कंज्यूम कर लेते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे माइंस, ऑयल वेल्स एसेट्रा. देन आता है नॉमिनल और फिक्टिशियस एसेट्स. वो एसेट्स जिनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है एट द एंड ऑफ बिजनेस, उन्हें हम फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डेबिट बैलेंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट या कमीशन जो आप दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स एसेट्रा. इनफैक्ट वो एसेट्स होती नहीं है, इन्हें हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो करते हैं. तब तक शो करते हैं जब तक हम इन्हें कम्प्लीटली राइट ऑफ ना कर दे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. देन नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज में सबसे पहले फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज जो आपको एक साल के बाद पे करनी है, उन्हें हम फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में इंक्लूड करते हैं. तो फॉर एग्जांपल, आपका लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स एसेट्रा. देन आपकी करंट और फ्लोटिंग लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज जो आपको पे करनी है विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर, उन्हें हम करंट और फ्लोटिंग लाइबिलिटीज कहते हैं. जैसे ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एसेट्रा. देन आता है कंटीजेंट लाइबिलिटीज. ये एक्चुअल में लाइबिलिटीज है या नहीं है आपको खुद ही नहीं पता होता है. वो लाइबिलिटीज अभी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट हो जाता है तो वो लाइबिलिटी आपकी बन सकती है, उसे हम कंटीजेंट लाइबिलिटीज कहते हैं. जहाँ मे और मे नॉट भी आ जाता है वो कंटीजेंट लाइबिलिटीज होंगी आपकी. फॉर एग्जाम्पल, बिल डिस्काउंट करवाया ट्रेडर ने बैंक से, लेकिन वो तब तक उसकी लाइबिलिटी रहेगी बैंक के लिए जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, क्योंकि अगर जो बिल है वो डिसऑनर्ड हो गया ड्यू डेट पे तो वो अगेन ट्रेडर की जो है वो लाइबिलिटी बन जाएगा. सेम तरीके से कोई सूट, कोई केस जिसे हम कहते हैं पेंडिंग है अगेंस्ट दी ट्रेडर कोर्ट में, तो वो भी हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटी है जब तक उस केस का जो रिजल्ट है वो नहीं आ जाता. देन सिमिलैरिटीज क्या है ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट के बीच में? दोनों स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंट्स नहीं हैं. दोनों में ही टू और बाय वर्ड्स यूज नहीं होते हैं.
दोनों को हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द बैलेंसेज ऑफ लेजर, दोनों को हम किसी एक स्पेसिफिक डेट पर ही बनाते हैं, और बैलेंस ऑफ कैश बुक दोनों में लिखा जाता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? ट्रायल बैलेंस को हम बनाते हैं फॉर चेकिंग द मैथमेटिकल एक्यूरेसी, जबकि जो बैलेंस शीट है उसे हम बनाते हैं टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। जो ट्रायल बैलेंस है उसमें डेबिट और क्रेडिट साइड्स होती हैं, जबकि जो बैलेंस शीट है उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज साइड होती है। ट्रायल बैलेंस को हम कितने किसी भी नंबर ऑफ टाइम आप ड्यूरिंग अ ईयर बना सकते हैं, लेकिन जो बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर होती है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जो बैलेंस ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेज हैं सभी टाइप्स के अकाउंट्स के लिखे जाते हैं, चाहे वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, लेकिन बैलेंस शीट में सिर्फ पर्सनल और रियल अकाउंट्स के बैलेंसेज लिखते हैं आप। ट्रायल बैलेंस को जब आप बनाते हैं तो उससे पहले आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले आप ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं, जबकि जो बैलेंस शीट है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनती है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नेसेसरी नहीं है ट्रायल बैलेंस बनाते हुए, लेकिन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नेसेसरी है बैलेंस शीट बनाते हुए, क्योंकि उसमें आपको उसे शो करना होता है। जो क्लोजिंग है अकाउंट की वो नेसेसरी नहीं है फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, जबकि क्लोजिंग अकाउंट्स की नेसेसरी है फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। जो प्रिपरेशन है ट्रायल बैलेंस की वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना कंपलसरी है। ट्रायल बैलेंस को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जबकि बैलेंस शीट को कोर्ट एक्सेप्ट करता है एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एडजस्टमेंट्स को कंसीडर नहीं किया जाता है फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, जबकि एडजस्टमेंट्स को कंसीडर आप करते हो बैलेंस शीट बनाने के लिए। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज नीड, इम्पॉर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ फाइनल अकाउंट्स, या फाइनल अकाउंट्स किस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाए जाते हैं। सबसे पहला है टू नो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस हम प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स में, जिससे हमें पता चलता है कि प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग दी ईयर आपको कितना हुआ है। प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की यहाँ से आपको पता चलती है। जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में वो इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि जो बिजनेस है उसने कितना प्रॉफिट कमाया है। देन टू नो दी फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजिशन बिजनेस की जानने के लिए आप बैलेंस शीट बनाते हैं किसी एक फिक्स्ड डेट पर, जहां से आपको पता चलता है कितनी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड है, कितने की आपने पेमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म लोन्स बिजनेस ने कितने लिए हुए हैं, और डिफरेंट आइटम्स को आप यहाँ पर शो करते हो। देन टू गेट लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप बिजनेस के बना रहे हो वो आपको हेल्प करते हैं अगर आपको लोन लेना है बैंक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है लोन देने से पहले आपकी फाइनेंशियल साउंडनेस देखेंगे, और वो देखने के लिए वो आपकी बैलेंस शीट देखते हैं, जिनसे उन्हें आपकी अर्निंग कैपेसिटी पता चलती है। देन टू असेस इनकम टैक्स, जो इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन्हें टैक्स पे करना है प्रॉफिट्स के ऊपर जो उन्होंने अर्न किए हैं, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए, इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो बिजनेसमैन है उसे फाइनल अकाउंट्स अपने बनाने पड़ते हैं। देन टू असिस्ट मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजर्स जो बिजनेस के हैं वो राइट डिसीजंस तभी ले सकते हैं जब उनके पास नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो, डिफरेंट एस्पेक्ट्स की टाइमली इन्फॉर्मेशन उन्हें मिले, और ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करती है इन प्रिपेयरिंग फ्यूचर प्लान्स, और ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है फाइनल अकाउंट से। देन टू कंडक्ट कंपैरेटिव एनालिसिस, एनालाइज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप रिजल्ट्स जान सकते हो एक बिजनेस के, कंपेयर कर सकते हो उसे दूसरे बिजनेसेस के रिजल्ट्स के साथ, और इस बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। देन पॉइंट्स क्या क्या नोट करने हैं वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, जो हम पहले भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंट्स जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं उन्हें हम सिर्फ एक ही जगह शो करते हैं, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो होंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होंगे, या बैलेंस शीट में शो होंगे, लेकिन जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उन्हें हम दो जगह शो करते हैं। देन डेबिट आइटम्स जो हैं ट्रायल बैलेंस की, उन्हें डेबिट साइड पर लिखा जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, या फिर एसेट साइड पर बैलेंस शीट की।
जबकि जो क्रेडिट आइटम्स होती हैं ट्रायल बैलेंस की, उसे या तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, या फिर लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट की। और जो भी आपकी आइटम्स रिलेट करती हैं गुड्स से, जैसे परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, उन्हें हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। जो आपके एक्सपेंसेस हुए हैं परचेजिंग पर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे, उन्हें भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। और जो भी आपके अदर एक्सपेंसेस हैं, नॉमिनल अकाउंट्स हैं, उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, शो करते हैं। देन अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रेंट क्लियरली दिया हुआ है कि फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो उन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे, अदरवाइज उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे और उन्हें ऑफिस एक्सपेंस मानेंगे। देन जो भी आपके पर्सनल और रियल अकाउंट गिवन है ट्रायल बैलेंस में, उन्हें हमेशा बैलेंस शीट में शो किया जाता है। अगर जो ट्रायल बैलेंस है क्वेश्चन में गिवन नहीं है और ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि जो स्पेसिफिक आइटम है वो इनकम है या एक्सपेंस है, आपको पता नहीं चल रहा है, तो हम उन्हें एक्सपेंस मानेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कमीशन, रेंट, डिस्काउंट एक्सेट्रा। देन जो भी आपका सम होगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, बैलेंस शीट की दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होती है। क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ बाबा गारमेंट्स लुधियाना एज ऑन 31 मार्च 2009। अब हम यहाँ से देखते हैं आइटम कहाँ कहाँ पे जाएगी। देन लैंड एंड बिल्डिंग है, आपका बैलेंस शीट में शो होगा। देन प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में, फर्नीचर बैलेंस शीट में, मोटर व्हीकल बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक आपका कहाँ गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इसका मतलब उसे एक ही जगह आपने शो करना है और वो शो करेंगे आप बैलेंस शीट में। देन आपका डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स गिवन है, डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स अगेन आपका बैलेंस शीट में ही शो होगा, ये डेप्टर्स आपके शो हो गए और ये क्रेडिटर्स शो हो गए। देन आपका कैश इन हैंड बैलेंस शीट में शो होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में शो होगा, ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल बैलेंस शीट में शो होगी, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में शो होगा, नेट प्रॉफिट आपका ऐड हो जाएगा आपके कैपिटल में, देन आपकी ड्रॉइंग्स उसमें से माइनस हो जाएगी। तो ये है आपकी बैलेंस शीट, दोनों साइड्स का टोटल आपका इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट को, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एंड बैलेंस शीट को। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं फाइनल अकाउंट्स में, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।